हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एलो नीम सोप, जो कि मैंने एलोवेरा और नीम से बनाया है। ये साबुन आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देने वाला है, क्योंकि ये सोप मैंने नीम से बनाया है। नीम का यूज़ सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं, बल्कि आजकल के ज़माने में यूज़ होने वाले मोस्टली प्रोडक्ट्स में किया जाता है, क्योंकि ये हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। नीम स्किन को टाइट रखता है और इसे टोन करता है, और ये स्किन पर होने वाले क्रैक्स और अधिकतर जो स्किन पर चित्तियां पड़ जाती हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। नीम चेहरे पर होने वाले दाने, स्किन पर होने वाले फोड़े फुंसी सबको ठीक करता है। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार ये सोप बनता कैसे है। एलो नीम सोप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 नीम की डंडियाँ ली थी और उनसे पत्तों को बिल्कुल अलग कर लिया है। इस सोप को बनाने के लिए आपको फ्रेश लीव्स ही यूज करनी है। नीम का पेड़ अधिकतर सबके घरों के पास मिल जाता है, तो आपको इनको कलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अब हम सोप बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार लूंगी और इसमें ये सारी नीम की लीव्स डाल दूंगी। अब इस जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पिस सके। पानी डाले बिना ये बिल्कुल नहीं पिसेगा, तो थोड़ा सा पानी डाल लें। अब हम इसे स्मूथ पेस्ट होने तक पीस लेंगे। ये देखिए अच्छे से पिस चुका है, ये एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है नीम का। तो अब हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें मिलाएंगे। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कीजिए। और मैंने सेकंड इंग्रेडिएंट लिया है ये एवियन का विटामिन ई कैप्सूल। एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैंने एक सेफ्टी पिन लिया है, जिससे कि अभी कैप्सूल के अंदर मैं एक होल करूँगी जिससे जेल बाहर आ सके। तो ये मैंने कैप्सूल निकाल लिया है, अब इसमें एक होल कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जेल फॉर्म में विटामिन ई बाहर आ रहा है कैप्सूल से। तो अब हम इसे स्क्वीज करके नीम के पेस्ट के अंदर ये जेल डाल देंगे। विटामिन ई चेहरे की झाइयां हटाने और पिंपल्स और रिंकल्स खत्म करने में भी बहुत हेल्प करता है। हम इस सोप में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस सोप को यूज़ करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली हैं, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये ना ही सिर्फ स्किन को स्मूथ करता है, बल्कि इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन के पोर्स में से बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, और साथ ही इसकी फ्रेग्रेंस आपके सोप को बहुत ही अच्छा स्मेल देगी। तो इसकी 5 से 7 ड्रॉप मैं नीम पेस्ट में डाल रही हूँ। और लास्ट में हम इसमें यूज़ करेंगे ये 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करती हैं। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा एलो नीम पेस्ट तैयार हो चुका है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है डी रूट्स का अल्ट्रा क्लियर सोप पेस्ट। ये आपको अमेजोन पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। हमें इस सोप पेस्ट के 1/4 पार्ट की ही रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक नाइफ से इसका 1/4 पार्ट अलग कर दूंगी। बाकी का सोप बेस हम उठाकर रख देंगे। अब ये जो हमने सोप बेस लिया है इसके पीसेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके पीसेस करेंगे। ये सोप बेस आपको मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाएगा। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पीसेस में काट लिया है ये सोप। अब हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेल्ट कर लेंगे। सोप बेस मेल्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और ये सारे टुकड़े इसके अंदर डाल देंगे।
अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में लगभग 2 गिलास पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें ये पैन में रख दूंगी और हम इसे डबल बॉयलर प्रोसेस से गर्म करेंगे। ध्यान रखें आपको इसे डायरेक्ट हीट पर नहीं रखना है, क्योंकि गैस पर डायरेक्ट रखने से सोप बेस जलने लगेगा। तो इसी तरीके से आपको इसे गर्म करना है। ये देखिए ये सोप बेस मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब इसे एक स्पून से इस तरीके से चला देंगे ताकि ये चारों तरफ से मेल्ट हो जाए अच्छे से। आप देखेंगे कि इसे मेल्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए 1 ही मिनट के अंदर सोप बेस अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। इस सोप बेस को आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इसमें ये नीम पेस्ट मिला देंगे। अब हम ये नीम पेस्ट इस सोप बेस के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे स्पून से। ये अच्छे से सोप बेस के अंदर मिल चुका है। अब हम एक सिलिकॉन का सोप मोल्ड लेंगे। ये मोल्ड भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम ये लिक्विड सोप इसके अंदर डाल देंगे। और हम इसे जमने के लिए फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के अंदर ही आपका एलो नीम सोप बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। 1 घंटे बाद मैंने ये मोल्ड फ्रीजर से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये सोप अच्छे से जम चुका है। तो अब हम इसे मोल्ड के अंदर से निकाल लेंगे। अब हम ये सोप एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके लिए इस मोल्ड को सिंपली टर्न करना है और अंगूठों से इस तरीके से प्रेस करके सोप बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी से देख सकते हैं आप, मोल्ड के अंदर से बाहर आ चुके हैं सोप। ये हमारे एलो नीम सोप तैयार है। आप इसे डेली नहाने में यूज कर सकते हैं, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये आपको एलोवेरा, नीम, विटामिन ई सबके बेनिफिट्स देने वाला है आपकी स्किन को। इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी स्किन पर किसी तरीके के दाने की या एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको अपने हाथ पर भी इसे यूज़ करके दिखा देती हूँ। तो पहले हाथ को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी से वेट कर लिया है। अब इस सोप को अप्लाई करेंगे इस तरीके से। इस सोप का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है, किसी भी तरह का खुरदुरापन इसके अंदर नहीं है। ये बहुत ही स्मूथ है। अब मैं इसे आपको सोप ढंग से अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं फॉर्म बन चुका है सोप पर। ये देखिए आप जब इस सोप को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ रहा है सोप का। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से। ये सोप आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आपके स्किन पोर्स से सारा डर्ट निकाल कर उसे एकदम क्लीन करेगा और आपकी स्किन भी एकदम स्मूथ होने लगेगी। मैंने अपना हाथ धो लिया है अच्छे से। अब ये देखिए मेरी स्किन बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट फील हो रही है मुझे। मेरे दोनों हाथों के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हैं, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए मेरे हाथ पे 1 वॉश से ही इतना अच्छा ग्लो आया है। सिर्फ 1 वॉश में ही आप मेरे हाथ में इसका ग्लो देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी स्किन स्मूथ एंड ग्लोई बनने वाली है। तो आप इस सोप को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।